साहिब गुरुद्वारे तक जाने के लिए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण कार्य अब जल्द ही पूरा होने वाला है। इसी साल नवंबर महीने में पहले जत्थे के रवाना होने की उम्मीद है। कॉरिडोर के बीच भारतीय चेक पोस्ट पर तिरंगा भी लहराएगा, जिसकी ऊंचाई 300 फीट ऊंची होगी। इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान में गुरुद्वारे के दर्शन को जाने वाले पहले जत्थे को रवाना करेंगे। दोनों देशों में तनाव के बीच शुरू होने वाले इस कॉरिडोर पर हमारे देश की आन मान और शान का तिरंगा लहराएगा। तिरंगा लगाने का काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से चल रहा है। कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि झंडा काफी ऊंचा होगा और दोनों ओर से कई किलोमीटर दूर से नजर आएगा। सर, ये जो हमारा फ्लैग है यहाँ लगेगा और इसकी जो हाइट है वो 300 फुट हाइट है और उसमें जो हमारा फ्लैग है वो 90x60 फीट का है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्लॉथ से बनेगा। विंड प्रेशर को पूरी तरह भूल लेगा, उससे कोई झंडे को मतलब काफ़ी अच्छा दिखाई देगा आपको। इट विल बी वेरी गुड लुक। ये किस डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया जाएगा और ये जो फ्लैग है इसमें ये कितनी दूर से दिखाई देगा? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया LPAI की तरफ से ही लग रहा है झंडा। ये तो काफ़ी दूर से पाकिस्तान से भी दिखाई देगा और डेरा बाबा नानक से तो बहुत आगे से दिखाई देगा। मैं 300 फुट हाइट का झंडा लगाने को मिला है, जिसके झंडे की जो है वो लंबाई 90 फुट, चौड़ाई 60 फुट और ये जो है हम लोग शायद 20 अक्टूबर तक ख़त्म कर देंगे और ये काफ़ी दूर से दिखेगा जो है अपना, इधर 10 किलोमीटर इधर से और पाकिस्तान साइड जो उनका पास का गांव जो नरोवल आता है वहाँ से भी दिखेगा। कितनी देर में ये कम्प्लीट हो जाएगा, कितनी लेबर लगी हुई है? सर, लेबर तो 100 के ऊपर है और काफ़ी ज़ोर शोर से काम चल रहा है और मौसम सही रहा, सब कुछ सही रहा तो हम लोग 20 अक्टूबर तक इसको हम पोल खड़ा करते हैं। कॉरिडोर पर एक बड़े बस टर्मिनल का निर्माण भी हो रहा है और इस 300 फीट ऊंचे झंडे के लगने से बस टर्मिनल की शोभा और सुंदरता भी बढ़ेगी। इस तिरंगे के लिए विशेष राष्ट्रीय स्मारक का भी निर्माण किया जाएगा। बता दें कि नवंबर साल 2018 में भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब को जोड़ने वाला गलियारा बनाने पर सहमति जताई थी। करतारपुर पाकिस्तान के नोरोवाल जिले में रावी नदी के पास और डेरा बाबा नानक से करीब 4 किलोमीटर पर स्थित है। दोनों पक्षों ने नवंबर में श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के साल भर चलने वाले समारोह से पहले गलियारा खोलने की योजना बनाई है। गुरदासपुर से न्यूज के लिए सुखजिंदर कुमार की रिपोर्ट।